आज हम आए हैं राधा गोविंद जू सेंटर मीरा मार्ग मानसरोवर मध्यम मार्ग। ये आप एप्पल देखें तो यहाँ रखी हुई है, भगोनी है जिसमें काट के रखा हुआ है कीवी, और ये पूरी गंदी हो रखी है। ये खुले फ्रीज में रखे हुए हैं, ये कब क्या है, कब काटे गए हैं, ये गंदगी आप देखें, ये स्टोर किया गया है फ्रीज में, लेकिन कब क्या काटा गया है, ये आम कब के हैं, और ये हमारे राजेश नागर साहब हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। जब ये कीवी का जूस बनाते हैं तो उसमें ये कलर डालते हैं ताकि आपको बढ़िया कलर दिखे, और ये इसका आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये कीवी का बनाया जाता है। ये दूसरा रंग है बटर शेक में ये डालते हैं, ये बटर फिलिंग आप जो अपने स्वास्थ्य बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसके बजाय ये आप देखें ये किस प्रकार के रंग आपके जूस में मिलाए जा रहे हैं। इनकी भी हालांकि सरकार ने एक मात्रा निर्धारित की हुई है, परंतु ये जूस में किसी भी प्रकार के रंग मिलाए जाने अनुमति नहीं है। केले दिखाएंगे आपको, ये डीप फ्रीजर में ये सारे आप खुले देखेंगे, ये कब बना के रखे गए हैं ये देखें आप। ऐसे ही अनार सुबह से ही छील करके रख लिया गया है, प्लास्टिक की थैलियों में बांध बांध के रखे हुए हैं। दुकान में आपको ढेर सारी मक्खियां दिखेंगी जो कि बहुत ही खतरनाक आपको उड़ती हुई दिख रही होंगी। स्वास्थ्य बनाने के लिए आप जूस पी रहे हैं, पर आप ये देखेंगे, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आइसक्रीम के नाम पे फ्रोजन डेसर्ट आपके इसमें मिलाया जाता है, जिसमें कि आपके पूरा वनस्पति तेल यानी कि इसमें मैक्सिमम इसका इंटेक जो है पाम ऑयल है इसमें, तो जूस के साथ आपको पाम ऑयल का भी सेवन कराया जा रहा है। ये आप देखें, ये भी फ्रोजन डेसर्ट है, मीडियम फैट फ्रोजन डेसर्ट आप देख रहे होंगे, और ये कौन सी कंपनियां हैं ये कभी सुनने में नहीं आती, जो सबसे खराब सी कंपनियां हैं वो आपको। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये आप देखें, वाटर मिल्क सॉलिड कैन शुगर और एडिबल वेजिटेबल ऑयल यानी पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल आप जो है जूस में ले रहे हैं, और ये इस जूस का बहुत बड़ा पार्ट है। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम भी, आइसक्रीम तो खैर ही नहीं, डेसर्ट इसमें डाला जाता है। एयर प्यूरीफायर आता है, कचरे को निकालो बाहर निकालो, और डस्टबिन रखो यहाँ पे कवर वाले, ये कैरेट नहीं रखना, मक्खियाँ क्यों आ रही है, देखो ढक्कन वाले डस्टबिन आता है, डस्टबिन कवर। ये आप देखेंगे कि किसी के भी यहाँ आपको हैंड ग्लव हेयर केप कुछ भी आपको नहीं मिलेगी, ये अपने गंदे हाथों से, अब ये मेरे कहने पे ये निकाल रहे हैं, लेकिन बिना उसके ये सब बनाया जा रहा है। किस किस में डालते हो, हाँ बताओ, और सब में आप, अच्छा इन सब में आप डेसर्ट डालते हो जिसमें कि पाम ऑयल है, मिल्क तो है ही नहीं। ये इनकी रेट लिस्ट देखिए, पैसे भी कम नहीं है, लेकिन आपको जूस और इसके नाम पे उसमें पाम ऑयल मिलेगा, क्योंकि वो आइसक्रीम नहीं है, पाम ऑयल से बनी हुई डेसर्ट आपको डाली जाए। अब ये आप इनके गोदाम का नज़ारा देखें, कि किस प्रकार यहाँ इतनी तेज़ बदबू है कि आपकी सोच के परे है, और ये समझ के बाहर है कि फ्रूट की दुकान में ये घी या तेल या पाम ऑयल ये किस लिए है। ये देखेंगे आप, ये डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, और ये जिसमें ये बनाते हैं फलूदा के लिए रबड़ी, उसके हाल भी आप देख लें, और यहाँ पे बहुत तेज़ बदबू से हमारा सामना हो रहा है, और जंग लगा हुआ इनका शटर है, काली दीवारें हैं, और बड़ी आपको फफूंद भी दिखेगी, और ये सामान इन्होंने न जाने
कब काट करके डाला है, कोई टैगिंग आपको नहीं दिखेगी कि ये कब फ्रूट्स वगैरह काट के इस तरह से पैक करके दिनों के पहले रखे गए हैं कि महीनों पहले स्टोर किए गए हैं, और कहने को आप ताज़ा फ्रूट का जूस पीते हैं। अब आप देखिए हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर इस फ्रीज में से देख रहे हैं, जो खराब फ्रूट्स हैं ये सारे स्टोर किए हुए हैं, ये सारी खराब हो चुकी है, बड़ी घटिया क्वालिटी की, और ये खराब सी आपको लौकियाँ दिखेंगी जो इस पे, ये फ्रिज की स्थिति है इनकी, न इस पे प्लास्टर है न इस पे पेंट है, सब कुछ उखड़ा हुआ है। ये आप देखें सारा बोतलें किस तरह से स्टोर की हैं इन्होंने, ये घरेलू सिलेंडरों का यहाँ पे इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ये चीनी जो जूस में मिलाई जाती है ये ऐसे ही रखी हुई है और बोरियों में भरी हुई है, कोई पात्र नहीं है, ये मकोड़े इस पे चल रहे हैं आप देखें, इसमें भी खूब सारे आपको ये दौड़ते हुए दिखेंगे कीट मकोड़े चीते, चीनी में मक्खियां भिन भिना रही है, ये बोतलें न जाने कौन से जमाने की इन्होंने रखी है, पूरा आपको कबाड़ दिखेगा जहाँ ये फ्रूट्स को काट काट के स्टोर कर रहे हैं। ये देखिए ये खराब गेट जालियाँ टूटी हुई, जंग लगी हुई, ये सारा आप देखिए।